जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है गॉर्जियस धाकर फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का कंसेप्ट है एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन वेरियस रेजिस्टर आर कंबाइंड इन पैरेलल। साथियों, अगर बहुत सारे रजिस्टर पैरेलल में कंबाइन हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। हम एग्जांपल के हिसाब से तीन रजिस्टर लेते हैं जिन्हें हम पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं। साथियों, लेट अस कंसीडर दीज थ्री रजिस्टर्स आर कंबाइन इन पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे तीन रजिस्टर हैं जो आपस में पैरेलल कंबाइन किए जा रहे हैं, तो आखिर इनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। ये जानने के लिए आपके स्क्रीन पर ये शानदार डायग्राम बनाया गया है। तीन रेजिस्टर लिए गए हैं, एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। इसका करंट सोर्स का वोल्टेज V है, यहाँ से करंट हमने I दिया। अब आप देख सकते हैं तीनों रजिस्टर के लिए करंट का पाथ अलग अलग है। करंट का पाथ सेम हो तो करंट सेम रहता है, अगर पाथ अलग अलग हो तो करंट की वैल्यू में अंतर आ जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट करंट पाथ सो देयर विल बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट। और यहाँ से I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3, इसलिए टोटल यहाँ पे आ ही आएगा। तो आपने देखा दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन के अंदर डिफरेंट पाथ होने के कारण करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए सेम रहेगा। इन दिस कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ टोटल करंट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स विल बी सेम। ओके, तो अभी हमने बताया आपको कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट है वो सभी करंट के जोड़ के बराबर होगा। अब हम ओम्स का नियम इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार दोस्तों वी होता है इक्वल आई आर के, तो यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R। सो इजी। सिमिलरली I1 शुड बी इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि यहां V सेम है। I2 शुड बी इक्वल टू V अपॉन R2। I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए आप यहां पे RP लिख सकते हैं। ये सारी वैल्यू जो है आप I की इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देयरफोर I की वैल्यू क्या है दोस्तों, V अपॉन RP, दैट शुड बी इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ओके, तो V अपॉन RP शुड बिकम इक्वल टू, क्या कॉमन आ गया इन तीनों में, V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। वी से वी कैंसल आउट, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल बाकी सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के जोड़ के बराबर होता है। तो साथियों, आपने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट के रास्ते अलग होने के कारण करंट अलग अलग हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम रहा, टोटल करंट तीनों करंट के जोड़ के बराबर आ गया। ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू आ गई V अपॉन R। यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने P लिख दिया। I1 V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3, V सेम रहा इसलिए V भी रहने दिया। इन सब की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो इससे सोल्व करने पर 1 अपॉन RP इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो साथियों, दैट इज सो इजी एक्सप्रेशन, मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और नए कंसेप्ट के साथ आपके साथ पुनः मिलेंगे।
आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।